हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर वर्क बुक्स एंड बुरेल्स टैलस इसका सब टॉपिक है साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगा लुक एट द इस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज स्टोन बिल्डर्स आर नोन एज मेगा लिटरली बिग स्टोन्स बड़े बड़े पत्थरों से बनाई जाती थी दीज वी आर केयरफुली अरेंज्ड बाई पीपल ये जो ये पत्थर थे बड़े बड़े इनको लोग अरेंज करते थे बड़े ध्यान से एंड वी आर यूज टू मार्क बोरियल साइट्स और दफन करने की जगह बनाई जाती थी द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट थ्री थाउजेंड ईयर्स एगो ये तकरीबन आए से तीन हज़ार साल पहले ये मेगालिथ्स का दौर शुरू हुआ था एंड वॉज प्रिवलेंट थ्रू आउट द ये हुआ था डेक्कन में साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी सम इम्पोर्टेंट मेगालित्स साइट्स आर नोन है शोन ऑन मैप टू पेज थर्टीन सेकेंड मैप टू में पेज थर्टीन पे ये मैं दिखाई गए मेगा साइट्स दिखाई गई हैं वायल सम मेगालित्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस अदर मेगालिथ्स बरील्स आर ऑफन अंडरग्राउंड और कुछ अंडरग्राउंड मेगालिथ्स मेगालिथिक बरियल्स हैं थे समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ़ स्टोन बिल्डर्स और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑर्कोलाजिस्ट ने कहीं पर किसी टाइम पर पाया कि सर्कल ऑफ़ स्टोन्स बुल्डर्स बुल्डर्स ने सर्कल ऑफ़ स्टोन बनाया था और एक सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ग्राउंड में खड़ा किया था दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बरियल्स बनीथ तो इसका मतलब ये था ये बताता था वो कि जहाँ पे ये पत्थर लगाया जाता था इसके नीचे दफन की हुई कुछ चीज़ है ऑल दीज बरीस हैमन फीचर्स इन सब जो बरील्स थी इनमें कॉमन फीचर ये थे कुछ जनरली द डेड वियर बरीड विथ डिस्टिंगटिव पॉर्ट्स तो खाम क्या बात थी कि जो कुछ डेड जब किसी डेड बॉडी को दफन करते थे तो उसके साथ कुछ पार्ट्स भी रख देते थे विच आर कार्ड ब्लैक एंड रेड वियर जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन और आयरन के टूल्स और वेपन्स औजार और हथियार भी रखे जाते थे सम टाइम ऑफ सम और उनके साथ स्कल्टनस घोड़ों के स्कल्टनस भी रखे जाते थे हॉर्स इक्विपमेंट घोड़े के साथ जो भी इक्विपमेंट होते हैं और ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड पत्थरों के बने हुए ऑर्नामेंट्स और सोने के बने हुए चीज़ें उनके साथ रखी जाती थी फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है सोशल डिफरेंसेस के बारे में ऑर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद ए स्कर्टन प्रोबेबली बिलोंग टू बिलोंग टू द डेड पर्सन ऑर्कोलॉजिस्ट ने सोचा कि जो ऑब्जेक्ट्स स्केल्टन के साथ डेड बॉडी के साथ रखे जाते थे समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव समास मोर ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा चीज़ें पाई जाती थी कब्रों में एक से ज़्यादा फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप टू पेज थर्टीन हेयर वन स्केल्टन वॉज बरीड विद थर्टी थ्री गोल्ड बीड्स पेज नंबर सेकंड पे आप देखोगे ब्रह्मगिरी पेज नंबर थर्टीन मैप सेकंड में वहाँ पे क्या बताया है वन स्केल्टन वाज बरीड एक स्केल्टन बरीड दफन किया हुआ था जिसके साथ थर्टी थ्री गोल्ड बीड्स थे टू स्टोन बीड्स थे फोर कॉपर बेंगल्स थी एंड वन कॉन्च शेल अदर स्केल्टन्स हैव ओनली ए फ्यू पार्ट्स कहने का मतलब यहाँ पे आप सोचें कि एक डेड बॉडी के साथ एक स्केल्टन के साथ इन्होंने क्या पाया गोल्ड बीड्स थे स्टोन बीड्स थे कॉपर बीड्स मतलब एक सम के मोती होते हैं फोर कॉपर बेंगल्स थी और एक कांच शेल था तो दूसरी जो डेड बॉडी थी स्केल्टन था उसके साथ कुछ बर्तन थे दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर सम डिफरेंस इन स्टेटस एमग एमंगस्त पीपल हू वीर बरीड जो यु इस दफन कर पान वक्त मं ओर फर कू डिफरस क्या, उस? क्या उस? कि के मतलब ये अमज कि अगर कहां अमीर उस कह असल मुकाम के तपटी जदाद इन दफन करने। ते उस आम इंसान करसान तमें सत्या कै बान दफन करने सम रिच यो ये मतलब समझ के इस अमीर अदर्स पोर सम चीफ्स अदर फॉलो अदर्स फॉलोवर्स उनमें से कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे कुछ चीफ्स थे और कुछ उनको मानने वाले थे उनके पैरोकार थे उनके पीछे पीछे चलने वाले थे फॉलोवर्स थे नेक्स्ट इज वियर सम बरियल स्पॉट्स मैंट फॉर सर्टन फैमिलीज तो क्या है कि कुछ फैमिलीज के लिए कुछ खास जगहें दफन करने के लिए रखी गई थी समटाइम्स कंटेन मोर देन वंस कैटेन अब क्या है कि किसी वक्त क्या हुआ कि जो थे मेगालिथ्स जो जगह थी वहाँ पे एक से ज़्यादा स्कल्टन मिले दीज इंडिकेट्स दैट पीपल पर हैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शायद कहने का मतलब ये है कि एक ही फैमिली से वो बिलोंग करते थे वी आर बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम यह है कि एक ही जगह पे तो बरीड हुए तो मगर उनके लिए फ़िक्स जगह एक फैमिली के लिए फ़िक्स जगह रखी गई थी कि कोई डायनेस्टी या कोई फैमिली है तो उस फैमिली के मेंबर सब उधरी जो जिसकी डेथ होती जाती थी तो उसको एक ही जगह पे दफन किया जाता था द बॉडीज़ ऑफ दोज हु डाइड लेटर वी आर ब्रॉट इन टू द ग्रेव जो पहले कोई किसी की डेथ हुई तो उसको फिर उसके बाद जो डेथ हुई तो उसको भी उसी जगह पर ऐसे ऐसे करके अगर किसी फैमिली के पुराने टाइम पे मेगल्थस के दौर में अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उनको एक फैमिली को एक ही जगह पे एक ही ग्रेव में दफन किया जाता था थ्रू दल्स पोर्ट होल्स स्टोन सर्कल्स और बिल्डर्स प्लेसड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्वड एज साइन पोस्ट्स टू फाइंड द बुरियल साइट स्टोन सर्कल्स और बुल्जर्स जो बुल्जर्स थे या स्टोन सर्कल्स थे प्लेसड ऑन द सरफेस उसको उस जगह पे रखा जाता था शायद वो आम, जगह ढूंढने के लिए कि कहाँ पे दफ़न किया है तो सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस और लोग वहाँ पे वापस आते थे और जहाँ पे जहाँ वो चाहते थे वहाँ वो दफन करते थे स्पेशल बरेल एट इनाम गाँव

हेयर एडल्ट वेयर जनरली बरीड इन द ग्राउंड जो एडल्ट होते थे बड़े होते थे उनको ज़मीन के नीचे दफन किया जाता था लेट आउट स्टेट विद दैड्स द नॉर्थ और सिर को रखा था, जाता था नॉर्थ की तरफ समर विद इन द हाउज और कभी कभार क्या होता था कि जो कि किसी की डेथ हो जाती थी उनको घरों के अंदर ही दफन किया जाता था वैसे दैट प्रोबेबली contained फूड एंड वाटर वी आर प्लेसड विद द डेड तो कहते हैं कि उस जमाने में आ, क्या किया जाता था जो खाने खाना पानी गिजा, वो किसके साथ रखा जाता था डेड बॉडी के साथ रखा रखी जाती थी ये सब चीज़ें वन मैन वॉज़ फाउंड buried in ए लार्ज एक इंसान को एक आदमी को दफन करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती थी फोर लेगड क्ले जार इन दोट यार्ड ऑफ अ फाइव रूम्ड हाउस वन आफ द लार्जेस्ट हाउस एट दाइड इन द इ देंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस आल्सो हैड अ ग्रीनरी तो इस घर में अ ग्रीनरी ग्रीनरी का मतलब हो गया जहां पे युन तुछस मा वन द बॉडी वाज प्लेसड इन अ्रॉस लैक्ट पुजिशन हैव फाउंड सीड्स आफ ने पाया किसके बीज? वीट के कनक राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सेसमी। Bones of a number of animals, in Kobohose many bearing cut marks that show they may have been used as food have also been found. These include cattle, buffalo in cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, and mongoose besides birds, crocodile, turtle, crab and fish, there is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. so, so next me have elsewhere. find china in your atlas. around 3500 years ago, we find some of the first evidence of writing in china. थर्टी फाइव हंड्रेड ईयर्स एगो चाइना के एटलस पे देखो आप चाइना या ग्लोब पे देखो चाइना आप तो आ, क्या मिला वहाँ पे? कि वहाँ पे कुछ निशानात मिले राइटिंग के दीज राइटिंग्स वेयर ऑन एनिमल बोन्स ये किस ये राइटिंग किस पर थी एनिमल्स बोन की जानवरों की हड्डियों पे दीज आर कार्ड और बोन्स और बोन्स बिकॉज दे वी आर यूज टू प्रडिक्ट फ्यूचर ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते थे ये किए जाते थे इस्तेमाल फ्यूचर जानने के लिए किसी भी इंसान की जिंदगी में आगे क्या होना है जैसे किंग्स गॉड सेक्रीफाइस स्क्राइब्स सॉरी किंग्स गॉड स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बस वुड दे विन बेटल वो क्वेश्चन लिखते थे कि हम ये जंग जीत लेंगे वुड द हार्वेस्ट बी गुड क्या खेती बाड़ी अच्छी होगी वुड दे हैव सन्स उन्हें बेटे होंगे द बोन्स वी आर दैन पुट इंटू द फायर और उस हड्डी को किस में रखा जाता था आग में रखा जाता था एंड दे क्रैक बिकॉज ऑफ द हीट और वो टूट जाती थी क्रैक हो जाती थी किसकी वजह से हीट की वजह से देन फॉर्चून फॉर्चून टेलर्स स्टडीड दीज क्रैक्स और जो किस्मत पढ़ने वाले होते थे तो ये इन हड्डियों को इन क्रैक्स को पढ़ते थे एंड ट्राई टू द फ्यूचर इस पर वो फ्यूचर बताते थे एज़ यू मे एक्सपेक्ट दे समाइम्स मेड मिस्टेक्स तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कभी कभार गलतियाँ भी हो जाती थी उनसे दी दीज किंग्स लिव्ड इन पैलसेस इन सिटीज़ ये लोग शहरों में कहाँ रहते थे महलों में दे अमेज वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ एल्थिन के पास बहुत ज़्यादा होती थी इन डल्जिंग इनकलूडिंग लार्ज एलेबरेटरी एलेबरेटली डेकोरेटेड ब्रोंस वेसल्स होते थे हावर दे डिड नाट नो द यूज़ ऑफ आयरन उस जमाने में आयरन का यूज़ नहीं था तो ये था हमारा चैप्टर तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे थैंक यू